नमस्कार दोस्तों, पवन वाईगढ़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर, और वेक्टर में हम कर रहे हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज 5.5। दोस्तों पूरा बेसिक मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया था और मैं आशा करता हूं कि आपने वो बहुत अच्छे से कर भी लिया होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि पवन वाईगढ़ के साथ साथ मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ और मैं पढ़ाता हूँ जेईई फाउंडेशन NTAC में। वो बच्चे जो अर्ली स्टेज में ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको जेईई करना है या नीट करना है, जिनको फाउंडेशन बहुत अच्छा सा कर लेना है, उन लोगों के लिए कैटेगरी है। तो आपके अगर छोटे भाई बहन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी बाय यूजिंग माय रेफरल कोड पवन वाग। देखा जाए तो बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, कमाल के फीचर्स हैं, मतलब बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप अनअकैडमी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। आप आइए, देखिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज पवन वाग रेफरल कोड सो देट यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। चलिए दोस्तों, क्या करना है यहाँ पर? हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.5, है ना। हमारी ये जो है ये एक्सरसाइज 5.5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या देख रखा है, फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब हमको बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इसका आंसर जो आएगा एक स्केलर नंबर आएगा, ठीक है। इफ ए देके रखा है, बी देके रखा है, सी देके रखा है, ठीक है। ए बी सी तीनों का तीनों देके रखा है, तो सिंपल है। क्या करेंगे हम इसको यहां पर, एक मिनट रुकना, हम लिख लेते हैं। ए क्या है हमारा, वेक्टर ए, वेक्टर ए है हमारा 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। बी क्या है हमारा, बी वेक्टर दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप, ये प्लस में 3j कैप है तो प्लस कर लो इसको, ठीक है। और सी ले लो, वेक्टर सी माइनस फाइव आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये देख रखा है। अच्छा, हम जानते हैं कि हमें निकालना है दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी, ये किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल होता है। तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम सीधे सीधे हमारी जो वैल्यू है, मतलब हमारा जो डिटर्मिनेंट के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी इसके, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां एक लाइन खींच लो, यहां पर दूसरी लाइन खींच लो, ये आपके डिटर्मिनेंट के लिए लाइन हो गई हमारी, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, यहां पर जो है इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, नंबर्स ले लेते हैं। 3 - 1 = 4, ये होगा 3 - 1 और 4। देखिए कोएफिशिएंट 3 यहां पर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है और ये 4 है, फिर 2, 3 और यहां पर -1, तो 2, 3 और ये -1, और यहां क्या -5, 2, 3, तो -5, 2 और 3। बस बच्चों कुछ नहीं करना, इसकी जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, है ना, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या होगा ये, इसको अगर हम लिखें यहां पर तो ये क्या होगा, देखो 3 का 3 होगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, ये 3 3 9, 3 × 3 माइनस, ये जो देखो बेटा, अब जब इसको लेंगे, जब हम इसको लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, ठीक है ना, ये रो और ये कॉलम छूटेगा, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, हम क्या करेंगे 2 × -1 करेंगे, ये पहला काम हो गया। फिर -1 ब्रैकेट के अंदर, फिर हम इसको लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छूटेगा 2 × 3, तो 2 × 3 करेंगे, -5 - 1, तो बेटा -5 × -1 तो प्लस हो जाएगा, है ना, लेकिन यहां लिख लो आप ऐसा, आपको लिखना है तो -5 × -1, ये दिख रहा है आपको -5 × -1, थोड़ा सा इस साइड कर लेते, मतलब आपको दिखे, हाँ जी, है ना। और साथ में क्या होगा यहां पर, मतलब इधर से देखना पड़ेगा, हमारा बोर्ड बहुत बड़ा है इसके लिए ऐसा होता है, ठीक है। और ये यहां पर है 4, और दैट इज 4 अगर लेता हूं मैं तो ये रो ये कॉलम छूटेगा 2 × 2 -3 × -5, ठीक है। बस बेटा सिंप्लीफाई करना है इसको, नथिंग एल्स, यू विल गेट द आंसर, और बहुत कमाल की चीज है। देखो क्या होगा, ये 3 का 3, 3 3 = 9, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, ब्रैकेट 2 3 = 6, -5 1 = 5, ओके, प्लस 4 का 4, 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, 3 5 = 15, ओके जी, बस कुछ नहीं बेटा, खत्म।
दैट्स इट, यही आंसर है, मतलब आ गए हम आंसर के करीब। 3 × 11 हो गया, प्लस 6 में से एक गया तो एक ही बचा, प्लस 4 × ये हो गया 19, 19 × 38, 76 हो गया ये, है ना, सॉरी ये इसको 19 कर लो, अगली स्टेप में 76 लिखेंगे इसको। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या आएगा आंसर, ये होगा 33 + 1 और ये 76 होगा हम, क्योंकि ये 19 4s है, तो 76, 77 और 3 80 और 3 ये आपका 110 आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया बेटा, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि सो दैट द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी इज 110, दैट्स इट, बस ऐसे करना है, सिंपल है और बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, क्वेश्चन सेकंड में हमको निकालना है, दैट इज एक मिनट रुकना, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड क्या करता है, इफ द वेक्टर्स, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है, आर द को टर्मिनस एजेस ऑफ द पैरेललोपाइप, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप। ओके, तो ये क्या है, ये पैरेललोपाइप की एजेस है, तो हमको क्या करना है, पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हमने क्या निकाला था, पैरेललोपाइप का वॉल्यूम क्या होता है, हमने देखा था कि वो बॉक्स प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। तो पहले, सबसे पहले जो दे के रखा है ना, इसको लिख लो, यहां लिखो लेट, लेट आपका पहला वेक्टर जो है वो क्या है, दैट इज 3i, यहां पर j नहीं है, प्लस 0j प्लस 5k, ठीक है, पहला वेक्टर हो गया आपका। ठीक, दूसरा वेक्टर लेते हैं b वेक्टर, ये क्या है बेटा, ये देखे रखा है 4i 2j, ओके 4i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप। उसके बाद में c वेक्टर हम ले लेते हैं, c क्या है भैया, बड़ा अच्छा सा, थोड़ा सा मैं कलर वलर बदलता हूं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन चीजें बड़ी सुंदर लगती है यार, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ओके वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोटर्मिनस एजेस, आर कोटर्मिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइप। ठीक है, तो क्या करेंगे, यह लिखो सो दैट द वॉल्यूम, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होगा, दैट इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी और सी, या आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, है ना, क्या होगा हमारा, 3 0 5 3 0 5, 4 2 - 3 4 2 - 3 और 3 1 4 3 1 4, लाइन खींच दो यहां पर, ये मन को थोड़ा बड़ा कर लो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत मस्त है, कोई चिंता वाली बात नहीं, 3 ले लो बेटा, तो ये होगा 2 × 4 - 1 × -3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये तो 0 होगा तो 0 का 0 ही हो जाएगा, प्लस 5 ले लो, सिंपल सा है, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो और ये कॉलम छूटेगा तो 4 × 1 = 4 4 × 1 - 2 × 3, खत्म बेटा, बस सिंपलीफाई करना है। ये होगा 3 4 2 8 माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 प्लस 0 हटा दो, 5 का 5 ये 4 2 3 6, ठीक है, ये कितना आ गया 3 × 11 - 5 sorry 5 × - 2, तो ये क्या आएगा, दिख रहा है यहां पर, हाँ जी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 33 - 10 तो 23 आएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आ जाएगा दैट इज 23। ठीक है, 23 इसका आंसर, थोड़ा तिरछी हो गई लाइन, हाँ यार थोड़ी तिरछी चली गई, ऐसे डांस हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, नया नया सॉफ्टवेयर है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब ऐसा आंसर आता है तो आखिरी में आपको लिखना है ना, आखिरी में नीचे आपको इधर लिखना है, यहां लिखिएगा, यहां नीचे क्या लिखिएगा, सो दैट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज 23 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, ऐसे इसका आंसर है। ठीक, चलो फटाफट कर लियो, कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रखा है कि इफ द वेक्टर्स -3i +4j -2k एंड i +2k एंड i -pj आर कोप्लानर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो बेटा ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्लियर है कि ये हमको कोप्लानर दे के रखे हैं। तो पहले यहां लिखो लेट a का जो वैल्यू है वो लिख लो -3i +4j -2k। ठीक है, b का b वेक्टर क्या है, b वेक्टर भी लिख लो, दैट इज i +2k, i कैप +2k कैप। और c वेक्टर क्या है बेटा, c भी लिख लो, दैट इज i -pj कैप। अभी क्या बोल रहा है, हियर इट हैज गिवन दैट, लिखो यहां पर, हियर इट हैज गिवन दैट ए पी सी आर को प्लानर है ना, ये को प्लानर है, एक ही प्लेन में है। तो यार जब एक प्लेन में होंगे तो फिर वॉल्यूम वाली बात ही नहीं आएगी, है ना, को प्लानर या को प्लेनर बोलते हैं। तो एक ही प्लेन में होगी तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, कुछ नहीं होगा, जीरो होगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, बस आपको वही करना है, इसका वॉल्यूम जीरो लेके सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा इसका, और कुछ नहीं है इसके अंदर। मतलब क्या, इसका सीधा सीधा कहना है कि इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट है ना बेटा, ये बॉक्स प्रोडक्ट इसका जीरो होता है, ये कहना ये चाहता है। ठीक है, और अगर ये जीरो होता है तो मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, सीधी सीधी बात है, यहां हम इसको मैं लाइन खींच लेता हूं दो इस तरह से, चलो जीरो हो गया। ए की वैल्यू -3, 4, -2, -3, 4, -2, आई जे के, तो जे नहीं है यहां पर, तो 1, जे 0, और के क्या है, ये 2 है, और ये आई मतलब 1, माइनस पी, और फिर ये 0, के नहीं है, तो बस बेटा इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं सॉल्व, -3, 0, -0, तो 0, -2 × देखो जब ये लेंगे ना, ध्यान से देखो, जब हम इसको लेंगे, किसको, जब हम इसको लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छूट जाता है, तो ये बचेगा इतना 0 × 0 और 2 × -p। ठीक है ना, ये क्या बचेगा, 2 × -p बचेगा। चलो तो लिखो यहां पर 2 × -p, फिर प्लस माइनस का 4 लिया तो ये रो ये कॉलम छूटेगा, तो 0 0 तो 0 हो जाएगा, ये 1 × 0 -1 × 2, और आखिरी का ले लो -2, तो ये क्या, ये रो ये कॉलम छूटेगा, तो -p × 1 and -1 × 0, तो ये तो अल्टीमेटली सब जो 0 हो जाएगा। अब 0 क्या क्या होगा देखो जरा ध्यान से, इसमें 0 क्या क्या होगा, तो ऑलरेडी ये 0 है, तो ये -3 हो गया, इधर 0 इक्वल लिख दो बेटा, इसके इक्वल 0 लिख दो, दिख रहा है वो, नहीं दिख रहा ध्यान रखना, इसके एंड में ना आपको 0 लगाना है आगे। ठीक है, तो ये हो गया -3 और -± ये 2p हो गया, -4 ये हो गया 0 - 2, ये -2, ठीक है ना, ये हो गया -p - 0, और ये भी 0। चलो अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या होगा, 3 × 2 = -6p, -± + 4 × 2 = 8, -± + 2p, और ये हो गया =0। तो देखो ये 4, 6 और -6 +2, तो क्या हो गया, ये -4p हो गया, और 8 को उधर भेज दो तो -8 हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर, बड़ा सिंपल सा, अब तो कोई बात ही नहीं है ना,
कोई बात नहीं कि आपको नहीं समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका पी क्या आ जाएगा, आपका पी आ जाएगा 8/4, तो आंसर आ जाएगा 2, सो दैट द वैल्यू ऑफ द पी विल बी 2, ठीक है। पी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी, पी की वैल्यू, ये इसका आंसर है, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या देख रखा है, थोड़ा अगर देखें इसको तो थोड़ा ही अलग है, मतलब इसको प्रूफ दैट करना है हमको, तो मैं एक काम करता हूं इसको लिख लेता हूं कि ए वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर और ए प्लस बी प्लस सी ये बताता है 0 है, तो यहां लिख लो, ये हम LHS ले लेते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब ये देखा जाए तो बॉक्स प्रोडक्ट में एक्चुअली लिखते समय इसने ना सब मिक्स कर दिया, सब मिक्स करके दिख रहा है, पर ये सेपरेट सेपरेट है ना। तो देखो अब हम इसको क्या करते हैं, अपने जो डॉट वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर लिखते हैं। जैसे अगर मैं बॉक्स प्रोडक्ट लिखता हूं तो ए बी सी अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसी तो लिखते हैं है ना, तो बस इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, दैट्स इट, ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखना, ये ए का ए, अब इस बी का पूरे में मल्टीप्लाई करता हूं, मैं पूरे में क्रॉस करता हूं, तो बी का पूरे के साथ में, तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, ठीक है ना। देखो पहले बी का यहां, फिर बी का यहां, फिर बी का हम यहां करेंगे सी में, तो B क्रॉस C हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर C का करेंगे, C का A में है ना, तो C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B और प्लस C क्रॉस C, प्लस C क्रॉस C, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगा दो। अब देखो बेटा इसके अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर ये दो जो है, ये वाला एक और ये वाला एक, ये तो सीधे सीधे 0 हो रहे हैं, ठीक है। ये बी ए है, ये सी ए है, ये बी सी है, ये है, ठीक है। अभी यहां पर क्या होगा, ठीक, जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं, जो हट जाएंगे उनको हटा देते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या है। देखिए यहां पर क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा ए वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट ऐसा का ऐसा ही, ये देखो ये बी क्रॉस ए ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 0, फिर हो जाएगा बी क्रॉस सी ऐसा का ऐसे ही, सी क्रॉस ए को सी क्रॉस ए रहने दो, और ये देखो ये बी क्रॉस सी है सी क्रॉस बी है, तो इसको मैं माइनस कर देता हूं, बी क्रॉस सी पलटाते हैं और प्लस का 0। अब क्या होगा बेटा ध्यान से देखना, अभी क्या होगा, अभी कट जाएगा ये बी क्रॉस सी से बी क्रॉस सी भी कट जाएगा, तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा ए वेक्टर, फिर आएगा बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हमें यहां पर इस ए को जो बाहर दे के रखा है जो डॉट में है, इसको एक बार हम इसके साथ ले लेंगे और एक बार हम इसके साथ ले लेंगे, दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगा ए को ले लूंगा डॉट बी क्रॉस ए के साथ में और ए को ले लूंगा डॉट सी क्रॉस ए के साथ में, देखो ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स के फॉर्म में लिखता हूं, तो बॉक्स के फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे, ये ए का ए, ये बी और ये ए, देखो ध्यान से, प्लस ये ए का ए, ये सी और ये ए। अब जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको एक चीज देखने मिलेगी कि यहां पर ये ए रिपीट हो रहा है, यहां भी ए रिपीट हो रहा है, मतलब क्या हो गया, मतलब सीधा सीधा हो गया है कि ये दोनों 0 है, मतलब क्या हो गया कि ये 0 है और ये भी 0 है, तो आंसर आपका 0 आ गया, तो हेंस प्रूफ, हेंस यहां पर लिख दीजिएगा, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, हेंस प्रूफ, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल हो गए, कर लियो फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत मस्त है, बहुत सिंपल है, कुछ भी टेंशन लेने जैसा नहीं, मस्त है बिल्कुल, है ना, आराम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देख रखा है, ए प्लस, मतलब ये इसी में है, प्रूफ दैट वाला ही है, और ए प्लस 2b माइनस सी और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में देख रखा है, क्रॉस में देख रखा है, ऐसा एक काम करो, इसमें एक मॉडिफिकेशन कर लो, इसको ब्रैकेट लगा दो ऐसा, क्योंकि ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उसके बिना होने नहीं वाला, हमको लाना है ये ऐसा, एक्चुअली ये ऐसा भी नहीं है,
ये भी क्या है, ये है 3ABC, मतलब इसकी जगह पर ऐसे मत लिखो उसको, ये क्या है, ये है 3 और बॉक्स लिख दो ABC का, ये ऐसा है, है ना। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, बदल लो, काम में आएगा। चलो करते हैं इसको सॉल्व। यहां लिखो टेक LHS, है ना, लिख दो यहां टेक LHS, टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो है ये आपका a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस c वेक्टर ब्रैकेट में a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b माइनस c वेक्टर। अब देखो यार, अभी हमने जैसे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया था बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत ज्यादा उसको ये करने की जरूरत नहीं है कि क्या करेंगे, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट, तो इसको ये इसको हाथ ही नहीं लगाना है हमको, इसको अभी हमको ऐसा का ऐसे रखना है, और यहाँ डॉट दे के रखा है शायद, है ना, हमारी जो बुक है यहाँ पर डॉट दे के रखा है, तो उसको डॉट ही समझ के चलना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसको डॉट लेके चलना, डॉट ये ए का मल्टीप्लाई पूरे में करो, मतलब ए का क्रॉस पूरे में करो, तो ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, और माइनस का चलने दो, तो माइनस बी क्रॉस ए, फिर माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस बी, और फिर माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस सी, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये एक काम हो गया हमारा, अब क्या करेंगे बेटा, अगली लाइन लेते हैं। अगली लाइन क्या बोल रही है, ध्यान से देखना, ये वाला तो मैंने कहा आपको इसको हाथ ही नहीं लगाना हमको, इसको अभी कुछ भी मत करो, है ना, जैसा है वैसा का वैसे रखो, है ना। ये डॉट का डॉट, ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है तो माइनस का ए क्रॉस बी ऐसा कैसे रहने दो, है ना, माइनस ए सी जो है इसको भी ऐसा कैसे रहने दो, ए क्रॉस सी। अब देखो ये बी क्रॉस ए है, मैं पलटाता हूं इसको, तो माइनस है माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है, बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, बी क्रॉस सी है क्या हमारे पास में, यहां पर नहीं है, तो इसको बी क्रॉस सी कर दो यहां पर, ऐसा का ऐसा, इसमें कोई बदलाव मत करो, ठीक है ना बेटा। देखो बहुत सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, जैसा था वैसा लिख लिया, ठीक है, फिर ए का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर दिया, क्रॉस लगा दिया, जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे करना, सिर्फ क्रॉस लगाते चलना, माइनस बी का सब में किया, पूरा मल्टीप्लाई जैसे करते वैसे ही करना, ठीक है। अब यहाँ सेम सेम जो वैक्टर है, ये वाला सेम वैक्टर तो जीरो हो गया, सेम सेम वैक्टर तो जीरो हो गया, और उसके बाद में ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो रहा है, कौन सा वाला, देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है ये माइनस का ए बी और ये प्लस का ए बी भी कैंसिल हो रहा है, तो जो बच रहा है उसको ले लो, जो बच रहा है उसको ले लो, क्या बच रहा है ध्यान से देखो, तो ये आपका a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस c वेक्टर, डॉट में जो बच रहा है उसको आगे लिख लो, b क्रॉस c को आगे लिख लो, है ना, b क्रॉस c को आगे लिख लो, और माइनस a क्रॉस c को पीछे लिख लो, और ब्रैकेट लगा लो। अब देखो बेटा इसके अंदर ना, अब यहां पर और एक बहुत बड़ा खेल चालू होगा, मतलब अभी तक तो आपने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये सिंप्लीफाई किया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा एक आपको डॉट देना पड़ेगा, ये जो दे के रखा है जैसा, ये जैसा दे के रखा है ना, उसको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लो, देखो ये सब के सब डॉट में, तो ए को इसके साथ डॉट मिलो, ए को इसके साथ डॉट मिलो, टू बी को इसके साथ डॉट मिलो, टू बी को इसके साथ डॉट मिलो, सी को इसके साथ डॉट मिलो, सी को इसके साथ डॉट मिलो, तो क्या होगा, देखो ए को मैं डॉट में लूंगा अगर, तो ये बी क्रॉस सी हो जाएगा, फिर माइनस ए को मैं डॉट में लूंगा तो किसके साथ में, ए क्रॉस सी के साथ में, फिर प्लस टू बी को मैं डॉट में लूंगा किसके साथ में, बी क्रॉस सी के साथ में, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे कर सकते, फिर टू बी को मैं इसके साथ लूंगा तो माइनस टू बी को किसके साथ लूंगा, तो डॉट में ए क्रॉस सी के साथ में, ठीक है ना, फिर किसको लूंगा मैं, माइनस सी को लूंगा इसके साथ में, तो ये माइनस सी वाला यहां लिख लो, उस साइड चले जाएंगे हम, माइनस सी को किसके साथ लूंगा मैं, बी क्रॉस सी के साथ में, और माइनस सी को मैं इसके साथ लूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी को, है ना, माइनस सी को मैं लूंगा किसके साथ में, ये ए क्रॉस सी के साथ में, थोड़ा समझ लो बेटा, थोड़ा समझ लो, ध्यान से देखना, देखो ये ए था, इस ए को देखो ध्यान से, इस ए को मैंने पहले इसके साथ लिया तो ये आया, और क्या हो गया, और इसको फिर मैंने इसके साथ लिया तो ये आ गया, फिर ये टू बी को मैंने इसके साथ लिया तो ये आया, फिर टू बी को मैंने इसके साथ लिया तो ये आया, फिर माइनस सी के साथ में मैंने इसको लिया तो ये आया, माइनस सी के साथ में इसको लिया तो ये आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी क्या करो पता है क्या, अभी जो है ना बेटा, अभी आप ये इसको हो बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर बना लो, मतलब इनके बॉक्स बनाओ, कैसे बॉक्स बनाओगे, इसको आप लिख दो एबीसी, लिख सकते हो क्या, बताओ जल्दी से, इसको लिख सकते हो क्या एबीसी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर,
क्यों नहीं लिख सकते? तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। आपको क्या लाना है? थ्री एबीसी लाना है। तो एक तो ये हो गया, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? माइनस ये ए, ए और सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्लस का टू, ये होगा बी, बी और सी। ये क्या होगा? माइनस का टू, माइनस का टू, बी ए और सी, ठीक है। और ये क्या होगा? माइनस का सी, एक मिनट, माइनस का सी, बी और सी, और प्लस का सी, ए और सी, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके अंदर जो है ना कौन कौन से जीरो होंगे वो देखो जरा ध्यान से। देखो पहला वाला जो है, ये पहला वाला, ये तो आपका एबीसी ही रहेगा। ये पहला वाला जो है ना आपका, ये पहला वाला आपका एबीसी ही रहेगा। कैसे? ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसमें देखो ये है ऐसा, दो बार ये आ गया तो ये जीरो हो गया, ठीक है। दो बार बी आ गया तो टू इंटू जीरो हो गया। ये माइनस टू बी ए सी है, इसको फ्लिप कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का टू, ये हो जाएगा ए बी और सी। दो जगह सी है तो जीरो हो जाएगा, दो जगह सी है तो जीरो हो जाएगा। तो बचता क्या है? दो और एक की बचता है तीन, ए बी और सी। और यही तो हमको लाना था यार, देखो सी ए बी सी तो लाना था। ओके, तो ऐसे इसको करना, थोड़ा लाइन तिरछी चल रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप मेरे लिए एडजस्ट कर लो, ठीक है जी। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, जो हमने अभी तक किया बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, पर सिंपल है। ये देख रखा है, सी इफ सी इज इक्वल टू टू ए माइनस टू बी, देन प्रूव दैट आपका एबीसी जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा ये आपका जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहली बात यहां पर लेते हैं, लेट ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, हमको एबीसी बताना है जीरो, एबीसी जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो जीरो बताना। तो यहां लिखते हैं, काम करते हैं, यहां लिखते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये बॉक्स प्रोडक्ट मैंने लिख लिया। तो इसको हम लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ये एक ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया। अब इसको एक काम करते हैं बेटा, ए को ए लिखते हैं हम, ठीक है, ए को ए लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा, बी की जगह बी लिखते हैं, और क्रॉस में सी की जगह पर ये जो वैल्यू देके रखी है, जो वैल्यू हमको देके रखी है उसको ले लेते हैं, दैट इज थ्री वेक्टर ए माइनस टू वेक्टर बी, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, बहुत कमाल का है, ये ए को ए रहने दो, बी का क्रॉस प्रोडक्ट थ्री ए के साथ कर दो, और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, बी का क्रॉस प्रोडक्ट टू बी के साथ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज, ध्यान से देखो, ए का ए थ्री बी क्रॉस ए माइनस टू बी क्रॉस बी। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, ये दोनों के दोनों बी बी है, सेम सेम आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ए वेक्टर थ्री बी क्रॉस ए माइनस जीरो। फिर बचेगा क्या, ये डॉट में है, यहां पर डॉट है, कुछ है नहीं, मतलब डॉट है यहाँ, तो आप सोचोगे क्या हो गया, और ये है थ्री बी क्रॉस ए। तो एक काम करते हैं, थ्री को आगे निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी एन ए, तो ए ए आगे फिर से जीरो हो जाएगा, तो थ्री इंटू जीरो, तो आंसर आपका आ जाएगा जीरो। यही तो हमको प्रूफ प्रूफ करना था कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जो है दैट विल बी जीरो, हैंस प्रूफ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है, बस दैट्स इट। छप गया भैया, छाप दिया हमने, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सिंपल, देखो क्या किया, क्या हमने हमने इसको हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है उस फॉर्म में लिख लिया, स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के बाद में सी की जगह पर जो सी की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी, और बस इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, दैट्स इट। कुछ है नहीं बेटा इतना डरने जैसा, पर है सिंपल, प्रैक्टिस करोगे तो सब ध्यान में आ जाएगा। ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है वेक्टर की, हालांकि वेक्टर पूरा का पूरा सिंपल, डरने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन जो है बहुत कमाल का है, और अगला क्वेश्चन अब हमको करना है, अगला क्वेश्चन हमको कर लेना है। तो ध्यान से जरा देखो, यहाँ क्या देख रखा है, यू एक वेक्टर देख रखा है, आर देख रखा है, डब्ल्यू देख रखा है, ठीक है, आर गिवन वेक्टर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसके अंदर ना कुछ थोड़ा सा बदलाव किया गया, एक्चुअली यहाँ पर जो कॉमा देख रखा है, ये कॉमा नहीं है, यहाँ पर इसको माइनस लगा दो,
ठीक है, ये जो कॉमा देके रखा है ना, कॉमा नहीं है ये, इसको यहाँ माइनस लगा लो। ठीक है, देखो आई माइनस टू जे प्लस के, ओके, आर देके रखा थ्री आई प्लस के डब्ल्यू देके रखा जे माइनस के, और ये बाकी हमको इस तरह से देखा है। देखो बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, हमको पता क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यू वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डब्ल्यू क्रॉस आर प्रोडक्ट के क्रॉस आर प्रोडक्ट क्रॉस डब्ल्यू के, सॉरी आर वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर। अब यार देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको अगर करना है हमको, अगर ये फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा समझदारी देखो, देखो बेटा पहले हम क्या करते हैं, पहले ये W क्रॉस R निकाल लेते हैं, R ये भी निकाल लेते हैं और इसको भी निकाल, इन तीनों को हम सपोज कर लेते हैं कुछ, है ना, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि भैया ABC सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको ABC सपोज कर लेते हैं, लेट लिखो, लेट क्या लिखोगे, लेट यहां लिखो, लेट कोई वेक्टर A है जो कि U प्लस W वेक्टर के इक्वल है, तो A क्या है बेटा, देखो A A A मतलब U, U क्या है, पूरा का पूरा U लिख दो, दैट इज I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप, पहली बात हो गई, और W क्या है, J कैप माइनस K कैप है। अब इसमें कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है इसमें, देखो तो ध्यान से कुछ कट रहा है क्या, ये K से K कट जा रहा है, तो आपका क्या आ रहा है, ये माइनस का आय और 2j में से j चले गया, 2bj प्लस का, ये माइनस का है प्लस का, तो माइनस का j बचेगा, तो ये आपका वेक्टर a आ गया, इसको ब्रैकेट लगा दो, ये नहीं लगा तो भी चलेगा, ये आपका वेक्टर a आ गया। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 के का ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा आपको समझ लेना है, ये एक्चुअली इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके रखा है, मतलब जो बुक में देके रखा है वो नहीं रखा है मैंने, उसमें कुछ बदलाव किए हैं, तो आपको थोड़े वो बदलाव देख लेना है कि एक्जेक्टली वो बदलाव क्या है, तभी जाके आपको समझ में भी आएगा। मतलब यहां अगर आप देखते हैं तो आपको u देके रखा है, इफ u वेक्टर देके रखा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, r वेक्टर देके रखा 3i कैप प्लस k कैप, w वेक्टर में यहां पर j कॉमा k दिया था, तो j माइनस k ही, ठीक है, और यहां जो हमको फाइंड करना है ना, u प्लस w, u वेक्टर प्लस w वेक्टर डॉट, यहाँ पर W क्रॉस R देके रखा था, एक्चुअली वो U क्रॉस R लेना है आपको और R का क्रॉस W लेना है, ये बदलाव आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चेंज है। ठीक है, अब देखो बेटा हमको तीन चीजें चाहिए, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो यहाँ आपको क्या देखने मिल रहा है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या है, देखा जाए तो ये पूरा अगर A हुआ तो A डॉट B क्रॉस C, ये इस फॉर्मूले में आ रहा है, देखो ध्यान से A डॉट B क्रॉस C, मतलब कि आपको एबीसी निकालना है इनका, है ना, इनका एबीसी निकालना है, बॉक्स प्रोडक्ट। तो पहले अब ये जो है यहां पर, एक मिनट, यहाँ क्रॉस है बेटा, है ना, इसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ, यहां पर क्या है, यहां पर जो है वो क्रॉस है, ठीक है, यहाँ क्रॉस कर लो, दैट इज, एक मिनट रुको, यू क्रॉस आर कर लो। ठीक है, अब इसको मुझे करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं इसको निकालने वाला हूँ, फिर इस पार्ट को निकालने वाला हूँ, मैं इस पार्ट को निकालने वाला हूँ, मतलब मैं तीनों को सॉल्व करने वाला हूँ, एक बार मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा, और फिर मैं इन सब से, देखो यहाँ ये दो वेक्टर का सम हो रहा है तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, इसको साइड रखते हैं, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब कि वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ एक वेक्टर आएगा, यहाँ एक वेक्टर आएगा, और फिर मैं इन तीनों को लेके, जैसे हम एबीसी में बॉक्स प्रोडक्ट करते हैं डिटरमिनेंट मेथड से, वैसे सॉल्व करेंगे, तो चिंता वाला कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा। चलो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले हम एबीसी ही निकाल लेते हैं, तो यू प्लस, ये यू प्लस डब्ल्यू निकाल लेते हैं, तो यू प्लस डब्ल्यू आपका क्या है, तो यू का वैल्यू क्या है बेटा, ब्रैकेट नहीं लगा तो भी चलेगा, यू का वैल्यू क्या है, दैट इज आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, और डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, जे कैप माइनस के कैप। इसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आपका माइनस के और प्लस के तो कट गया, तो ये आपका आ गया आई कैप और दो जे माइनस के टू जे में से प्लस का जे गया तो माइनस का जे कैप बचा, ये आपका यू प्लस डब्ल्यू, ये वेक्टर आ गया। इसको क्या करो कि इसको मैं काम करता हूं, बॉक्स लगा देता हूं, ठीक है ना, मैं इसको क्या करता हूं, बॉक्स लगा देता हूं, एक मिनट रुकना,
पहला वाला है, इसको बॉक्स में लगा दो, ठीक है जी। ये पहला काम हो गया, एक मिनट रुकना, ये पहला है, इसको बॉक्स लगा दो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी आ गया। अगला वाला निकालते हैं, इसको नंबर वन दे दो, ये फर्स्ट है आपका। सेकंड वाला क्या बोल रहा है हमको कि यू क्रॉस आर निकालना है आपको। नाउ हमको क्या निकालना है, यू क्रॉस आर, वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर आर निकालना है। तो वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर जो है दो लाइन खींच लो, ऐसी ऐसी दो लाइन खींच लो, और दोनों लाइन में जो वेक्टर्स की वैल्यू है उसको पुट अप कर दो। क्या है u का वैल्यू, क्या है, एक माइनस दो एक। तो एक काम करो, पहले यहां i लिखो, यहां j लिखो, यहां k लिखो, और एक माइनस दो एक, तो एक माइनस दो एक, और r क्या है बेटा, r, j नहीं है, तो थ्री जीरो और k एक। देखो थ्री आया है तो थ्री, j नहीं है तो जीरो, और k है सिर्फ तो एक, ठीक है। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई यही करते हैं, है ना, और कोई जगह नहीं। देखो ये हो जाएगा आई कैप, ये आई कैप लिया तो ये रो ये कॉलम छूटेगा, टू वन जा माइनस टू, माइनस वन वन जा जीरो, फिर माइनस जे कैप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस जे कैप, ये रो ये कॉलम छूटेगा, वन वन जा वन, थ्री वन जा थ्री, वन वन जा वन, थ्री वन जा थ्री, और प्लस का के कैप, ये रो ये कॉलम छूट गया तो जीरो, जीरो माइनस टू थ्री का माइनस सिक्स है तो माइनस माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा। तो आपका वैल्यू क्या आएगा, माइनस टू आई कैप माइनस, ये देखो एक में से वन माइनस थ्री क्या, तो माइनस टू हो गया, माइनस टू, और ये माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये टू जे हुआ, प्लस का टू जे हुआ, और ये प्लस का सिक्स के हुआ, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया किसका, यू क्रॉस आर का, ठीक है। इसको आप नंबर दूसरा दे देना, इसको क्या करना है, आप नंबर दो दे देना, ठीक है। चलो इसको नंबर दो दे देते हैं, इसको बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है। ये आपका, अरे यार ज्यादा ये इधर हो गया, कोई बात नहीं, बॉक्स मत लगाओ, सही रहेगा। चलो इसको नंबर टू दे दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो बेटा मैंने क्या बताया था आपको, कि मैंने आपको ये बताया था कि हमको पहले ये निकालना है, तो हमने ये निकाल लिया, फिर हमको यू क्रॉस आर निकालना, तो हमने यू क्रॉस आर भी निकाला। अब हमको क्या निकालना बेटा, अब हमको यू क्रॉस आर के बाद में आर क्रॉस डब्ल्यू निकालना, तो आर क्रॉस डब्ल्यू निकालते हैं, आर क्रॉस डब्ल्यू निकालते हैं, लिखो यहां पर, दैट इज आर क्रॉस W, तो उसको निकालने के लिए यहां लिखो I J K, ठीक है। फिर यहां पर लिख लो दैट इज, एक मिनट रुकना, R, R की वैल्यू क्या है, 3 I और K है, तो 301 लिखो, 301, और W क्या है, J K है, तो 01 माइनस 01 माइनस 1, क्योंकि J माइनस K है, क्योंकि ये क्या है, J माइनस K है, ठीक है ना, J माइनस K है। तो आपका R क्रॉस W क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, आपका R क्रॉस W, सबको K लगा दो, ये I कैप, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, ठीक है, वन 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 जीरो से जीरो हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, जीरो माइनस वन माइनस J कैप, ये रो ये कॉलम छूट जाएगा, थ्री वन जा माइनस थ्री और वन जीरो जा जीरो, और प्लस का K कैप कर दो, तो ये रो ये कॉलम छूट गया, थ्री वन जा थ्री माइनस जीरो, ये थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ फिर जगह वाला थोड़ा सा इशू आएगा। वैसे देखा जाए तो हमारा बोर्ड बहुत बड़ा है ना, 186 इंच बोर्ड, मतलब अभी तक का, मतलब जितने लोग यूज करते हैं उसमें बड़ा वाला सबसे ये है, क्योंकि ये मुझे लगता है आपके लिए सब चीजें बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का आई कैप, देखो माइनस माइनस प्लस थ्री जे कैप, और ये प्लस का थ्री के कैप, ये आपका आ गया R क्रॉस W, ये आपका इक्वेशन थ्री हो गया, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे हम, बस कुछ नहीं करना, हमको ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट अप कर देना, ये जो हमने लिख के रखा है, ये वाला जो हमने लिख के रखा है, जो हमको फाइंड आउट करना, ठीक है, जो हमको फाइंड आउट करना है उसको हम उठा लेते हैं, दैट इज नाउ, थोड़ा मैं इरेजर से इसको इरेज कर दू, ठीक है, इसको इधर बॉक्स बना देते हैं ऐसा, और ये है U प्लस W वेक्टर डॉट ब्रैकेट में U क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस W। चलो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, U प्लस W का,
यू प्लस डब्ल्यू का है दैट इज आई माइनस जे, तो आई एक काम करो ना, ऐसे मत करो, डायरेक्ट हम इसको डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, ध्यान दो, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, फिर इसका माइनस दो, ध्यान से दो, माइनस दो दो छ, माइनस दो दो और छ, और इसका क्या है माइनस एक तीन तीन, माइनस एक तीन और तीन, तो इसको सॉल्व कर लेते बेटा, दैट्स इट, ये सॉल्व हो गया कि आ गया हमारा आंसर, ये सॉल्व हो गया कि हमारा आंसर आ गया, क्या होगा, ये वन ले लो, ये वन लिया तो ये रो ये कॉलम छूटेगा, थ्री टू टू थ्री जा सिक्स, माइनस सिक्स थ्री जा एटीन, और ये माइनस, और ये माइनस का वन है, फिर ब्रैकेट में ये देखो ये रो ये कॉलम छूट जाएगा, टू थ्री जा माइनस सिक्स, ये माइनस सिक्स, और माइनस में देखो ये सिक्स वन जा अगेन माइनस सिक्स, तो माइनस माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा, तो यार ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, ठीक है, कैसे, ये हो गया माइनस का बारह, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस वन, और ये हो गया जीरो, तो आपका आंसर आ रहा है माइनस बारह, ठीक है। अब ये मतलब इस तरह से इसको करना था, मतलब देखो क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सही मायने में आपको आपकी स्किल्स चेक हो जाएगी कि आपको कितना यहाँ पर जम रहा है ना, आपने एडिशन भी कर लिया, क्रॉस भी कर लिया, क्रॉस के बाद में आपने उसका बॉक्स प्रोडक्ट भी निकाल लिया, ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में जो मैंने बताया आपको मॉडिफिकेशन है वो मॉडिफिकेशन कर लो, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बड़ा मतलब सिंपल सा था कि हमने ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट इक्वेशन वन टू और थ्री निकाल लिया और बस हमारा काम हो गया, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, क्या देखे रखा है, ये बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन हमने किया था, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/6, बॉक्स प्रोडक्ट में एबीसी तीन वेक्टर होते हैं, ठीक है ना, ये क्या बोलता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन हूज वर्टाइसेस आर गिवन ए बी सी डी, अच्छा चार वर्टाइसेस देखे रखे हैं टेट्राहेड्रॉन के, तो टेट्राहेड्रॉन बना लेते हैं पहले हम, कि लेट्स से कि ये हमारा जो है इस तरह से कुछ बेस इसका आएगा, यहां से मैं इसको ले लेता हूं ऐसा, ठीक है, और यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं यहां पर ऐसा, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, हमको नाम देके रखे हैं, है ना, ए देके रखा है, बी देके रखा है, सी देके रखा है और डी देके रखा है, तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ऐसा कुछ देके रखा है, ठीक है, लेकिन हमको इसके वर्टाइसेस देके रखे हैं, हमको इसके वेक्टर्स नहीं देके रखे, मतलब हमारे पास ए बी नहीं है, ए सी नहीं है, ए डी नहीं है, तो पहले हमको ए बी ए सी और ए डी निकालना पड़ेगा, अब ए बी ए डी और ए बी ए सी और ए डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले इसके पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर से फिर हमको ए बी मिलेगा, ए सी मिलेगा, ए डी मिलेगा, है ना, तो यहाँ आप एक काम कीजिए, यहाँ लिखिए कि सपोज द पोजीशन वेक्टर्स, लिखिए सपोज ए बी सी डी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी, ये इनके पोजिशन वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो अब ए का वेक्टर ए क्या होगा, है ना, ए क्या होगा, आपको ए के कोऑर्डिनेट देकर के माइनस वन टू थ्री, तो माइनस आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ये ए के ए वेक्टर हो गया, ए पोजिशन वेक्टर हो गया, बी क्या होगा बेटा, बी क्या होगा, बी क्या देखे रखा आपको, थ्री माइनस टू वन, तो थ्री आई माइनस टू जे प्लस के, है ना, क्या मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मतलब समझ लेना आप, फिर सी वेक्टर निकालते हैं, ये क्या होगा, सी क्या होगा, दो एक तीन, तो टू आई प्लस जे और तीन के, और डी क्या होगा, ये होगा माइनस आई माइनस टू जे प्लस फोर के, अब देखो मैंने क्या कहा कि ए बी ए सी और ए डी ऐसा देख रखा है, तो मुझे इनके क्या निकालना है, मुझे अब ए बी का आप ये निकालना, ए बी वेक्टर निकालना, तो मैं ए बी कैसे निकालूंगा, मैं ए बी कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो, ए बी वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बी माइनस ए कर लूंगा, मेरा बी क्या है, थ्री आई माइनस टू जे प्लस के, माइनस ए क्या है, माइनस आई प्लस टू जे प्लस थ्री के है, तो क्या हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप। अब क्या होगा, अब देख लो, ये हो जाएगा थ्री और वन, फोर आई कैप माइनस दो माइनस दो, तो माइनस चार जे कैप, तीन में से एक गया तो माइनस दो के कैप, ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। ये क्या हो गया आपका ए बी वेक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ए बी निकाला है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बी सी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे बी सी, एक मिनट रुकना, चलिए अब हम निकालते हैं ए सी। अब हमको ए सी निकालना है तो सी माइनस ए करना पड़ेगा। मैं ए सी निकालता हूं, ए सी क्या होगा, सी माइनस ए होगा, तो सी क्या है दो, ये होगा दो, पूरा लिख दो, दैट इज टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप माइनस माइनस ए कैप टू जे कैप माइनस में प्लस में, है ना, यहां माइनस लगाओ, माइनस आई कैप टू जे कैप और ये थ्री के कैप। एक काम करते हैं, इस पार्ट को मैं हटा देता हूं बेटा, क्योंकि यहां पर हमको जगह लगने वाली है, है ना, इस पार्ट को मैं हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, ए सी हमारा निकल आएगा, दैट इज टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप माइनस 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 प्लस आई कैप माइनस और प्लस माइनस टू जे कैप और माइनस थ्री के कैप, ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये ए सी आपका ए सी रहेगा, दो और एक आपका तीन आई कैप हो जाएगा, जे और ये चलेगा जे, तो फिर माइनस का जे कैप बचेगा यहां पर, और तीन में से तीन चलेगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए सी आ गया, ठीक है, आपका ए बी आ गया ये एक, ए सी आ गया ये दो, सेकंड वेक्टर आ गया, ठीक है। अब तीसरा वेक्टर क्या निकालते हैं, एडी निकालते हैं, तो एडी क्या होगा, एडी लिखते हैं, है ना, बहुत सिंपल बेटा, है ना, आपको क्या करना है, बहुत सिंपल बेटा, क्या करना है आपको कि बस आपको ए बी ए सी और एडी निकाल लेना, और फिर इसके बाद में हम इसको इसका बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो एडी निकालने के लिए क्या करना पड़ा, डी माइनस है, तो डी माइनस है, डी क्या है, डी है माइनस में आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप माइनस में ब्रैकेट में माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप और थ्री के कैप, बस जी हो जाएगा। अभी ये आपका एडी आ जाएगा, ये आपका एडी आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखो आई और ये, पहले काम करो, पहले लिख लो आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं, बदलाव यहाँ आएगा, यहाँ सारी साइन से बदल जाएगी, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते तो प्लस का आई कैप माइनस का टू जे कैप माइनस का थ्री के कैप, बस बेटा हो गया, सिंपल सा है। ये आपका एडी हो गया, एडी क्या हो गया, आई और आई कट गया तो ये जीरो हो गया, तो जीरो आई कर दो इसको, दो जे और दो जे, ये माइनस का फोर जे कैप हो गया, और चार में से तीन गया तो के कैप हो गया, तो ये आपका थर्ड वाला आ गया बेटा, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट आ गया, ये आपका सेकंड आ गया और थर्ड आ गया। अब हमको डायरेक्ट जो फार्मूला उसमें वैल्यू पुट करना है, और आपका फार्मूला क्या है, हमको अगर डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करना है तो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला देख लो जरा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, मतलब आपको जगह यहाँ पर हो जाएगी, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ से हो गए, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको इधर कर देते हैं, मतलब ये आपके लिए इधर रहेगा, एक मिनट रुको, ये लिखा हुआ शिफ्ट नहीं हो रहा यार, तो खूब हो गया, लिखा हुआ भी शिफ्ट होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। अब अगर ऐसा है तो मैं इसको ये कर लेता हूँ, जैसा था वैसे ही कर लेते हैं, है ना, एक मिनट भाई, परसेंटेज बढ़ा देते हैं, हाँ जी ये बढ़ गया परसेंटेज, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको हमको जो निकालना है अब हम वो निकाल लेते हैं, और जो क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये लिखो, वॉल्यूम होगा 1/6 ऑफ, क्या होगा, 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ए बी ए सी और ए डी, और ये हो जाएगा 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट, ए बी का क्या है, चार माइनस चार माइनस दो, चार माइनस चार माइनस दो, ए सी का क्या है,
तीन और जे है तो के जीरो आ जाएगा, तीन तीन माइनस एक और ये जीरो, और एडी का क्या आ जाएगा, जीरो माइनस चार और ये एक, बस दैट्स इट। तो बेटा इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें डरने जैसा, तो वन अपॉन सिक्स में लिख लेता हूँ यहाँ पर। एक काम करते ना, इसको एज अ रो मैं इसको एक्सपांड नहीं करता हूँ, एज अ कॉलम एक्सपांड करता हूँ, जल्दी हो जाएगा। फोर लेते हैं अगर तो ये रो ये कॉलम छूट जाएगा, तो वन वन सा माइनस वन और ये माइनस का जीरो, और माइनस थ्री ले लो, माइनस थ्री ले लो तो ये रो ये कॉलम छूट जाएगा, फोर वन सा माइनस फोर, फोर वन सा माइनस फोर और फोर टू सा एट हो जाएगा, माइनस का एट हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो क्या आ रहा है वन अपॉन सिक्स, ये आ रहा है वन अपॉन सिक्स, ठीक है, ये फोर इंटू माइनस वन और ये माइनस थ्री इंटू माइनस ट्वेल्व, तो क्या हो जाएगा, भारतीय छत्तीस में से चार गया तो कितना बचेगा, वन अपॉन सिक्स और ये माइनस फोर प्लस छत्तीस, छत्तीस में से चार गया तो बत्तीस बचेगा, तो वन अपॉन सिक्स इंटू बत्तीस कर लो, तो क्या आ रहा है सिक्स है, वन अपॉन सिक्स इंटू बत्तीस कर लो तो बत्तीस का कट जाएगा दो से, तो सोलह अपॉन थ्री क्यूबिक यूनिट आएगा, है ना, ये आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पर आखिरी में, हाँ जी दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ओके चलो। तो देखो बेटा क्या था, हमने क्या किया, हमने तीन काम किए। सबसे पहले हमको निकालना था, यहाँ पर जो देख लो हमने क्या किया कि हमने पहले पोजिशन वेक्टर ले लिया एबीसी, तो इससे फिर हमने एबी निकाला है, पहला एबी आ गया हमारा, फिर हमने एसी निकाला, ठीक है, और फिर हमने एडी निकाला, और इनकी मदद से हमने वॉल्यूम निकाल लिया, दैट्स इट। ये वॉल्यूम निकालने, वॉल्यूम में फार्मूला पुट करना, एक्सपांड करना, ठीक है। मैंने यहाँ रो में एक्सपांड नहीं किया इसको, कॉलम में एक्सपांड किया, क्योंकि यहाँ जीरो था, फिर हम रो में करते तो यहाँ काम और बढ़ता, तो अननेसरी हमने यहीं से कर दिया, सिंपल पड़ा। आपको जैसा बेटर लगता वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है, जो कि देख रखा है ए वेक्टर देख रखा है, दैट इज आई प्लस टू जे प्लस थ्री देख रखा है, उसको के लगा लेना, ठीक है ना, और साथ में बी थ्री आई टू जे और सी जो है टू आई जे प्लस थ्री के लगा लेना इसको, है ना, ये थोड़ा सा इसमें बदलाव है यार, पता नहीं क्या इशू है, ये प्रिंट पे है क्या बेटा, है ना। तो देन वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, यहां क्या समझने जैसा है, ठीक है, यहां एक चीज समझने जैसी है, नंबर वन दैट इज की इसमें कुछ बदलाव किए हैं मैंने, है ना, इसमें जो बदलाव किए हैं, जहां पर के लगाना है कुछ जगह पर के लगाना है ना, एबीसी यहां पर हमने के लगाया है, बुक में नहीं देके रखा है, यहां पर भी हमने के लगाया है जो बुक में नहीं देके रखा है। अब हमको बोलता है वेरीफाई बोलो, तो वेरीफाई बोलना है तो मतलब हमको ये पार्ट भी सॉल्व करना है, ये पार्ट भी सॉल्व करना है, और ये क्या बोलता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी बी और ए डॉट बी सी। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये दोनों का बेटा मल्टीप्लाई है यहाँ पर, है ना, ये मल्टीप्लाई मतलब ये वेक्टर आएगा वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर आएगा वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर वेक्टर ही आएगा, ठीक है ना, ये स्केलर आएगा स्केलर का वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, स्केलर आएगा स्केलर का वेक्टर मल्टीप्लाई होगा। तो अभी हमको तीनों चीजें निकालनी है, ए डॉट बी क्रॉस सी तीनों निकालनी है, तो पहले हम क्या करते हैं बी क्रॉस सी निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस सी कैसे होगा, बी क्रॉस सी लिखने के लिए यहाँ आई लिख लो जे लिख लो के लिख लो, ठीक है ना, आई जे के कर लो, और ये क्या है आई जे के करते समय थोड़ा मैं इसको छोटा करूँ क्या जी, और ये क्या है बी 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 है हमारा तीन आई प्लस टू जे, है ना, थ्री आई प्लस टू जे है सिर्फ, तो के नहीं है, तो तीन यहाँ है यहाँ दो है यहाँ जीरो है, तो इसको जीरो लिख दो। अच्छा इधर का क्या है सी का दो एक तीन है, तो इसको लिखो दो, इसको लिखो एक, इसको लिखो तीन, ये आपका काम हो गया, ये आपका काम हो गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो बी क्रॉस सी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बी क्रॉस सी हो जाएगा आई लिख दो ऐसा कैसे, देखो थ्री टू जा सिक्स माइनस मैं जीरो डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, देखो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, टू थ्री जा सिक्स और वन जीरो जा जीरो, फिर माइनस में जे कैप लिखते हैं अपन, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन माइनस टू जीरो जा जीरो, ये भी हो गया, फिर के ले लो, के ले लिया तो क्या होगा, देखो ध्यान से ये रो और ये कॉलम छूटेगा, थ्री वन जा थ्री माइनस फोर, थ्री वन जा थ्री माइनस टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, मतलब अभी तो आप एक्सपर्ट हो गए हो इसमें, है ना भाई, अब तो थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा ना, मतलब चीजें अदरवाइज तो हम तो करते रहेंगे। तो ये हो गया बी, ये हो गया क्रॉस सी, और ये देखो ये सिक्स आई हो गया, सिक्स आई कैप, ये माइनस नाइन जे कैप हो गया, और प्लस का ये माइनस का के कैप हो गया बेटा,
क्योंकि तीन में से चार गया तो माइनस एक बचा, माइनस एक और के का मल्टीप्लाई तो माइनस के हो गया, तो आपका बी क्रॉस सी आ गया। इसको अब ए क्रॉस के साथ में निकाल लो, तो यहां लिखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमको निकालना है, तो यहां फिर से आई जे और के लिख दो, और ए का क्या है एक दो तीन, एक दो तीन, और ये क्या है सिक्स माइनस नाइन माइनस वन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा ये, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, सिंपल सा है बेटा, कुछ ज्यादा इसमें ढंगने वाली बात नहीं है। एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, चलो एक स्टेप तो यहाँ आ जाएगी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आई को आई रहने दो, टू वन जा माइनस टू माइनस नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, तो माइनस का ट्वेंटी सेवन होगा। देखो ये रो और ये कॉलम छूटेगा, ये रो ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगा, टू वन जा माइनस टू और नाइन थ्री जा माइनस का ट्वेंटी सेवन, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का जे, ये रो और ये कॉलम छूटेगा, माइनस वन जा माइनस वन माइनस सिक्स थ्री जा एटीन, प्लस का के कर लो बेटा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, नाइन वन जा माइनस नाइन और सिक्स टू जा माइनस ट्वेल्व। ठीक है, अभी ये ब्रैकेट इसका भी लगा दो इधर, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। चलो अब इसके बाद इसको यहाँ ऊपर ले लेता हूं मैं, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इसको इस तरह से कर लेना भाई, ठीक है, दरअसल आपको लगेगा ये क्या कर दिया सर ने। ठीक है, इज इक्वल टू लगा दो, देखो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, सत्ताईस में से दो गए तो पच्चीस बचा, तो ये ट्वेंटी फाइव आई कैप हो गया, ये माइनस है और माइनस एटीन और माइनस वन, तो माइनस नाइनटीन और माइनस का वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का उन्नीस जे हो जाएगा, और ये क्या हो रहा है नौ और इक्कीस, नौ और बारह इक्कीस हो रहा है माइनस का, तो माइनस का इक्कीस के कैप हो जा रहा है, तो आपका ये एक साइड आ गया, इसको नंबर वन दे दो आप। ठीक है, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा ए डॉट सी बी और ए डॉट बी सी, ये निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंपल सा है, पहले हम ए डॉट सी निकाल लें, है ना। देखो एक काम करते हैं, मैं यहां पर एक एक करके निकाल लेता हूं, है ना। नाउ नाउ पहले हम क्या करते हैं, ए और सी का डॉट निकाल लेते हैं, तो ए क्या है, जो ए है वो लिख लो, ये क्या है आई कैप है, प्लस टू जे कैप है, प्लस थ्री के कैप है, और सी क्या है, ये है टू आई कैप प्लस जे कैप और थ्री के कैप है। बेटा हमने इसमें क्या सीखा था, हमने इसमें क्या सीखा था कि जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, नंबर जो आई वाले जे जे वाले के वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा टू वन जा टू, टू वन जा टू और थ्री थ्री जा नाइन, तो कितना हो गया तेरह हो गया, ये आपका ए सी कितना हो गया तेरह हो गया, यहां लिख दो ए डॉट सी आपका क्या हो गया तेरह हो गया, चाहे तो उसको बॉक्स वाला लगा दो यहां पर समझने के लिए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए डॉट बी भी निकालना है, तो हम ए डॉट बी निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ए डॉट बी निकालते हैं, तो ए डॉट बी निकालने के लिए ए क्या है आई टू जे थ्री के, लिखो आई टू जे और थ्री के। बेटा देखो बहुत सिंपल है ना, बस आपको वैल्यूज पुट करना है और इस तरह से इसको सॉल्व करते चले जाना है, कुछ नहीं उसमें। बी क्या है थ्री जे और टू के, सॉरी थ्री आई टू जे, थ्री आई और टू जे है, के नहीं है यहाँ पर, तो के को जीरो के लिख दो समझने के लिए। तो आपका ए डॉट बी क्या हो रहा है, देखो थ्री वन जा थ्री प्लस टू टू जा फोर और ये जीरो, तो ये आपका आ गया सात, तो आपका ए डॉट बी क्या आ रहा है बेटा, ये सात आ रहा है। चलो इसको भी बॉक्स वाला लगा दो, ये आपका ये हो गया। अब आपको ये वैल्यू निकालनी, कौन सी, हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यू निकालेंगे, कौन सी वाली, दैट इज ए डॉट सी को बी में मल्टीप्लाई करो माइनस ए डॉट बी को सी में मल्टीप्लाई करो। तो चलो वैल्यू निकालते हैं, निकालते हैं वैल्यू क्या होगी, ये दिखेगा क्या इसके ऊपर, नहीं दिख रहा, डार्क कलर ही लेना पड़ेगा भैया, थोड़ा सा कुछ ठूक पेट की आवाज आएगी, थोड़ा सहन कर लो यार, आप ही का काम चल रहा है, ऊपर स्टूडियो बन रहा है, दो तीन महीने लगेंगे लेकिन चीज अच्छी बनेगी। ठीक है, ए और सी, तो ए डॉट सी क्या आया था हमारा तेरह, तो यहां तेरह लिख दो। बी वेक्टर क्या है थ्री आए और टू जे है, ब्रैकेट लगा के माइनस, ब्रैकेट लगा के माइनस, और ये कितना है ए बी सात है, और सी क्या है
टू आई प्लस जे प्लस थ्री के है। सॉल्व कर लो भैया, 39 आए, 13 × 26, 39 आए हो गया, 13 × 26 जे हो गया, 7 × 14 आए, 7 जे और 7 × 21 के। देखो उन 39 में से 14 गए, 39 में से 14 गए तो क्या बचा, 39 में से 14 गए तो 25 बचे, 25 आए क्या, 26 में से 7 गया, 26 में से 7 गया तो बचता है 19 जे, और 14 और ये सॉरी ये तो हो गया, ये 21 के क्या। देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखना जरा, हमारा ये जो आया है क्या, ये वाला ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूं, है ना, मैं इसको बॉक्स लगा देता हूं यहां पर, ये जो है ये ऑलरेडी, ये जो है ये वाला और ये वाला देखो तो सेम है क्या, सेम है, देखो 25 आई कैप, 19 जे कैप और 21 के कैप, दोनों सेम है, मतलब LHS RHS आपका क्या हो गया बेटा, LHS RHS इक्वल हो गया। आपको नीचे लिख देना hence, है ना, आखिर में लिख देना दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले B क्रॉस A C निकाला, फिर B क्रॉस C के अंदर A क्रॉस B क्रॉस C निकाला, तो ये A क्रॉस B क्रॉस C हमारा ये आया। फिर हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, AC का AB का भी डॉट प्रोडक्ट निकाला, AB के अंदर B का मल्टीप्लाई किया और AC के अंदर B का और इसमें C का, तो इस तरह से हमको दोनों वेक्टर मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, सभी क्वेश्चन सिंपल, इसके दो पार्ट है बेटा, इसके दो पार्ट है, लेकिन इसके अंदर कुछ चेक कर लो, कुछ मॉडिफिकेशन इसमें है क्या, इसमें एक मॉडिफिकेशन आ रहा है यहां पर, देखो ए देके रखा है इफ ए इज इक्वल टू आई माइनस टू जे, बी देके रखा है आई प्लस टू जे, सी देके रखा है 2i प्लस जे प्लस माइनस टू, तो माइनस टू नहीं करके इसको k लगा दो, k नहीं है तो k लगा दो। हमको क्या करना है, पहले ये निकालना फिर ये निकालना, दो चीजें निकालना, आर दी रिजल्ट्स आर सेम, सेम नहीं आएगी, माइनस में आएगा शायद, माइनस में आता है ना, अगर ब्रैकेट चेंज करते तो सेम नहीं आता, माइनस में आता है, ठीक है ना, तो वही हमको देखना है कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक। अब इसके अंदर आर द रिजल्ट सेम जस्टिफाई, सेम में तो नहीं आता है, हमको पता है कि दोनों नॉट इक्वल होता है, हमने प्रॉपर्टी सीखी थी ना बेटा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल नहीं होता, दैट इज नॉट इक्वल टू, ये हमने सीखा, तो ये चीज हमको बताना है कि नॉट इक्वल आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है ए और सी का डॉट प्रोडक्ट, फिर ये बी वाला माइनस ए बी का डॉट प्रोडक्ट और फिर ये सी वाला, ठीक है ना। चलो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करते हैं, ए क्या है आई माइनस टू जे, और बी क्या है आई प्लस टू जे, एक मिनट, सी है भैया, सी है बी नहीं है, सी है, सी क्या है, सी डॉट में सी क्या है, टू आई। एक काम करो, रुको एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, पूरा फिर से लिखता हूँ। हाँ अब देखो इस साइड से लिखते हैं, ए क्या है आई माइनस टू जे, तो आई माइनस टू जे प्लस जीरो के लिखो, ऐसा क्यों, क्योंकि भैया यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, सी के साथ में, तो ये है 2i माइनस सॉरी प्लस j कैप माइनस 2k कैप, इसके साथ में b वेक्टर लिख दो, b वेक्टर क्या है i प्लस 2j, ये ब्रैकेट क्लोज, यहां लिख दो i प्लस 2j, ये आपका b वेक्टर हो गया माइनस में, ठीक है ना। अब a और b, फिर से a क्या है, a हमारा क्या है i माइनस 2j डॉट में, बी क्या है आई प्लस टू जे, के की कोई बात ही नहीं है, दोनों जगह के नहीं है तो नहीं लिखा मैंने, और ये क्या है सी क्या है, ये है टू आई
प्लस जे माइनस टू के, माइनस टू के। देखो भाई थोड़ा सा समझने वाला काम है, थोड़ा समझने वाला काम है। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन देखो इतना बड़ा लिखना पड़ा है। तो कैसे करेंगे, पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। हालांकि आपको एक तरीका बताऊं क्या मैं, पहले आप सेपरेट सेपरेट करोगे ना तो ज्यादा सिंपल लगेगा आपको। ये मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है ना, आपको ऐसा लगता है कि ये सर ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, तो पहले आप ए से निकाल लो, फिर ये निकाल लो, फिर बाद में वैल्यू पुट कर दो तो भी चलेगा। मैं दोनों करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो दोनों करके बताता हूँ। यहाँ क्या होगा, आई का दो में मल्टीप्लाई तो दो हो जाएगा, माइनस दो का एक में मल्टीप्लाई तो माइनस दो हो जाएगा, जीरो का इसमें मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा, और ये दो माइनस दो जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो गया, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, या कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ जी, ये खत्म, ये पूरा जीरो हो गया। और ये वाला वेक्टर ऐसा कैसे लिख दो, आई प्लस टू जे माइनस, ये क्या हो जाएगा, वन वन जा वन, टू टू जा फोर, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या हो रहा है, टू आई प्लस जे माइनस टू के, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये तो पूरा जीरो हो गया माइनस में, ये हो जाएगा माइनस का थ्री, और ये ऐसा कैसे, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, तो ये माइनस माइनस प्लस थ्री टू जो हो गया सिक्स आई प्लस थ्री जे माइनस नाइन के कैप, ये इसका आंसर है, किसका, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, ठीक है। सिक्स आई थ्री जे माइनस नाइन के, एक मिनट रुकना, नाइन के कितना है, थ्री टू सिक्स होगा ना यार, ये दो है, दो है, दो है, रुको एक मिनट, ये दो है भैया, ये दो है माइनस दो के है, तो ये छ होगा, ये सिक्स होगा भैया, ये आपका एक पार्ट हो गया। मैं आपको दोनों करके बताता हूँ ना, अभी इसके स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट ले लो। तो देखो भैया इसको इस तरह से करना है, ये यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है, ये यहां पर कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखो कि इसको ना आप पहले इनको फिर इनको और फिर बाद में इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर किया ना, ये देखो जैसे मैंने यहां पर सॉल्व किया, कहां गया भैया, हाँ जैसे मैंने यहां किया था कि पहले ए सी निकाला, फिर ए बी निकाला और फिर इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। और मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, है ना, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये जो है आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर आप कैसे करना चाहते हो, है ना। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप थोड़ा बड़ा दिख रहा हो, लेकिन सॉल्व एक ही जगह में चार लाइन में सॉल्व हो गया, एक दो तीन चार लाइन में सॉल्व हो गया, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान से लिखना, ए की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, और ये बी की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। अब अगला वाला हमको करना है, ए बी का क्रॉस सी के साथ में करना है, ए बी को सी के साथ में क्रॉस करना है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको आगे ले लेता हूं। आइए दोस्तों इसका सेकंड पार्ट करते हैं हमारा, जो कि दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ द नाइन्थ क्वेश्चन, और हमको यहां फाइंड करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको पलटा दूं तो माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी आ जाता है, और अगर ये होता है तो माइनस सी के साथ में आपको डॉट ले लेना है, माइनस लगा के आपको माइनस लगा लो, और क्या करना है, फिर आपको सी डॉट बी निकाल लो, ओके, और फिर ए को ले लो, माइनस जो है आपका सी डॉट ए निकाल लो, और फिर बी को ले लो, ठीक है ना। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है हमारा, उसी से मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं आप बी डॉट सी, पलटा के लिख दिया, और ये ए का ए माइनस, इसको आप ए डॉट सी लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए डॉट सी, और ये बी का बी लिख दो, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, आपका ए सी पहले आ जाएगा ए डॉट सी, और ये आपका बी आ जाएगा माइनस बी डॉट सी, और ये आपका ए आ जाएगा, डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। क्या करा हमने, ये डायरेक्ट देखो बेटा, बुक में तो डायरेक्ट ये फार्मूला लेके रखा है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि तरीका कैसा है। बदलाया तो यहां माइनस लगा दो, ये माइनस लगा दिया तो फिर ये दूर वाले पास आ जाएंगे, ये माइनस को बाहर रहने दो, दूर वाले पास, फिर ये लो, फिर इन दोनों को साथ में, फिर ये ले लो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने पलटा दिया, तो ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको मैंने पलटा दिया, ये हो गया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ए डॉट सी निकालना है, तो मैं ए डॉट सी निकाल लेता हूं, है ना। हमने अभी ए डॉट सी निकाला था इधर, हमने इस साइड ए डॉट सी निकाला था, देखो हमको ज्यादा बेटर है कि हम इसी करें उसको, है ना। हमने यहाँ पर जो ए डॉट सी निकाला था, कहाँ गया, ए डॉट सी यहाँ क्या आया था, देखो हमारा ए डॉट सी हमारा जीरो आया था, है ना, ए डॉट सी हमारा जीरो आया था, ये जीरो है, तो उसी तरह से करना है, सीधे उसी तरह से ही करना है हमको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, ये जी
चलो दैट्स इट, तो सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। इसको मैं इधर कर दूं क्या, इसको मैं इधर कर देता हूँ, यहां कर देता हूँ, ओके, और इधर करके मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो वैल्यू निकालते हैं, ए डॉट सी निकाल लेते हैं, ए क्या है, ए डॉट सी, तो ए है हमारा आई माइनस टू जे प्लस जीरो के, और सी क्या है, डॉट टू आई प्लस जे माइनस टू के, तो क्या आ जाएगा, एक और दो का मल्टीप्लाई दो, दो और एक का मल्टीप्लाई माइनस दो प्लस ए जीरो, तो ये हो गया आपका जीरो, कैंसिल हो गया, तो आपका ए डॉट सी क्या आ गया, ए डॉट सी आपका जीरो आ गया। अब आपको बी डॉट सी भी निकालना है, बी डॉट सी निकाल लो, ठीक है ना, अब क्या करो, बी डॉट सी निकाल लो, तो बी डॉट सी क्या होगा, बी डॉट सी, बी का वैल्यू क्या है, आई प्लस टू जे है प्लस जीरो के है, और डॉट करके सी ए वाला लिख दो, टू आई प्लस जे माइनस टू के। बेटा देखो है बड़ा सिंपल ना ये, मतलब आपको आई आई को, जे जे को, के को, इनको साथ में लेना है, और कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट ऐसा नहीं है कुछ। तो ये एक और ये दो दो हो गया, और ये टू वन जा, ये भी टू हो गया, और ये जीरो हो गया, है ना, ये जीरो हो गया, तो आपका बी डॉट ये क्या आ गया, ये चार आ गया, है ना, ये आपका चार आ गया, तो इसको लिख दो बी डॉट सी आपका फोर लिख दो। चलो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ए डॉट बी, ए डॉट सी हमारा जीरो आया, जीरो इंटू बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी हमारा चार आया, और ए क्या है हमारा, आई माइनस टू जे, तो आया माइनस फोर आई प्लस एट जे, बस दैट्स इट, ये इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे बेटा इसको करना है, मतलब मैंने देखो, मैंने तो आपको ये फार्मूला याद नहीं भी है तो भी मैंने बता दिया कि कैसे करना है, तो ये चीजें बड़ी ध्यान से करना है आपको ये नाइन्थ वाले में। और मैं बात आपको बता दूं कि ए डॉट सी अगर आपने निकाल लिया, ए डॉट सी निकाल लिया, बी डॉट सी निकाल लिया, तो आपके लिए ज्यादा सिंपल पड़ेगा, क्योंकि यही चीज आप इधर भी यूज करने वाले हो, है ना, यही चीज आप यहाँ भी यूज कर रहे हो, यही चीज आपको ए डॉट सी, ए डॉट बी आपको यहाँ जरूर पड़ना वाली थी ना। तो ये ऐसे, ये पहला, ये नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नाइन्थ का सेकंड पार्ट है, ये दूसरा वाला ले लो। अब ये बोलता है कि जस्टिफाई योर आंसर, है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है आखिरी में क्या, कि भैया ये जो है ए डॉट बी, सॉरी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो ए क्रॉस बी और क्रॉस बी के सी के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना, दैट्स इट। आपको ऐसा लिखना है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसा लिख सकते हैं आखिरी में। दोस्तों अब आगे आते हैं, आखिरी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी कर लेते हैं, और वो तो बड़ा सिंपल सा है यार, उसमें कुछ नहीं है, है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस करना क्या है इसको, इसको बस आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करना है। तो लिखो, टेक एलएचएस कर लो यार, लेफ्ट हैंड साइड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए है प्लस प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी है। देखो भाई दोनों को, तीनों को हम अलग अलग इसमें लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और यहां बी वेक्टर कर देंगे, माइनस ए बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यहां सी वेक्टर कर देंगे, पहला वाला हो गया, ये पहला वाला हो गया, इसको मैं इरेजर से इरेज कर देता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा वाला लेते हैं, दूसरा वाला इसके लिए, तो ये क्या होगा, ये होगा बी और ए का मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं और सी साथ में ले लेता हूं, माइनस में बी और सी ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट में और ए लगा देते हैं, ये वाला भी हो गया। अब इसके बाद में तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या है, ये सी और ए को डॉट में नहीं, सी और ए को नहीं, सी और बी को लेना पड़ेगा, दूर वाले पास में, फिर ये जैसे के वैसे, ठीक है। तो यहां दूर वाला क्या है, सी और बी डॉट में और यहां पर ए डॉट में नहीं है, ए है, और फिर माइनस जैसे के वैसे सी ए और बी। अब देखो बेटा इसमें कटने वाला क्या है, सब कट जाएगा, सारा कट जाएगा, जैसे ये वाला है, आप डॉट प्रोडक्ट में पलटा के लिख सकते हो, है ना, आप डॉट प्रोडक्ट में ए पलटा के लिख सकते हो उसको। तो देखो ये ए सी है, है ना, इसको ऐसा, इसको मैं पलटा के लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं दैट इज सी ए और ये बी, ठीक है,
माइनस ए बी सी को ऐसी रहने दो, ये ए बी और ए सी ऐसी रहने दो, इसको भी पलटा दो तो ये हो जाएगा ए बी का डॉट प्रोडक्ट और सी, ठीक है। इसको बी सी लिखा है, हाँ इसको पलटा दो माइनस में, इसको कर दो सी डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हम पलटा के लिख सकते हैं ना, ए डॉट बी कर सकते हैं, ए डॉट बी को बी डॉट ए बी लिख सकते हैं, डॉट में क्रॉस में लिख सकते हैं, वो माइनस के इक्वल होता है, ये माइनस है। अब मैं इसको सी बी रहने देता हूं ऐसा कैसे, प्लस का सी डॉट बी और ये ए का ए माइनस सी डॉट ए बी का बी। अब देखो बेटा क्या क्या कटने वाला है, ध्यान से देखो क्या क्या कट रहा है, ये सी ए बी है, सी ए बी प्लस का और सी ए बी माइनस का, कट गया पहला। दूसरा वाला ध्यान से देखना, ये ए बी, ए बी सी माइनस का और ए बी सी प्लस का, कट गया। तीसरा वाला ये सी बी ए माइनस का, सी बी ए प्लस का, ये भी कट गया, सब कट गया, तो आंसर आ गया भैया जीरो, है ना, ऐसे करना है, समझ में आया, बहुत सिंपल है, मजा आ जाएगा आपको, फार्मूले पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए, सब सिंपल है ना, और करने की इच्छा चाहिए, दैट्स इट। आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको एक क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पवन वाइकर्ण में, जल्दी मैं आपका अगला वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।